संतोष यादव जी, पूर्व डेप्टी स्पीकर हरियाणा की, वो फोन लाइन जुड़ गए हैं। संतोष यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जी धन्यवाद मैडम। संतोष यादव जी, आज आपने पार्टी छोड़ दी जी, क्या टिकट नहीं मिला आपको? इसी बात की नाराजगी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले आप कहती राजशाही नहीं चलेगी प्रदेश में, अटेली सीट को नाराजगी थी, कोसी सीट को नाराजगी थी, आप नाडोल से उम्मीद कर रही थी, वो उम्मीद भी आज आपकी टूट गई जी। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं जमीनी कार्य करता हूँ, लोगों में रहती हूँ, उनका मान और सम्मान रखती हूँ। मैं कभी चुनाव हारे हैं तो कभी 300 वोटों से, कभी 700 वोट से, जीता है तो 50,000 वोटों से चुनाव जीतने का कार्य किया। और पिछली बार मैंने जनता में इतना कार्य किया है, लोगों में, मैं घर घर, मेरा परिवार है अटेली जी, मेरी टिकट काट दी बिना किसी कसूर काट दी, मैंने उसको स्वीकार किया। और उस समय मुख्यमंत्री माननीय खट्टर जी ने कहा कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, मैंने चुनाव नहीं लड़ा और मैं पार्टी की सेवा करती रही, महिला मोर्चा की प्रभारी के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में मैं लगातार कार्य किया और जनता मेरी। अब जमीन मेरी इतनी तैयार थी, पीछे किसी को बैठा दिया, अब तैयार जमीन पर जी मेरे को एक साइड में कर दिया। मेरा केवल मैंने बताया हुआ है कि मैं कोई मेरे चेयरमैन वगैरह के लिए और किसी के लिए मैं नहीं हूँ, मेरा तो केवल चुनावी राजनीति, वो भी लोगों की राजनीति है। और जब मैं इतना अच्छा खेत तैयार करती हूँ, उसका राश जब आती है, अन्न जब इकट्ठा होता है, उसको कोई उठा ले जाए, ये अपमान है, कार्यकर्ताओं का अपमान है जो निष्ठा से कार्य करते हैं। अटेली के बाद आपको उम्मीद थी कि नारनौल सीट पर कुछ बात बनेगी? नारनौल भी मैडम मेरे पुराने अटेली हलके के गांव है, ग्रामीण क्षेत्र पुरानी अटेली है जी जी जी। और नारनौल में मैं 40 साल से रह रही हूँ यहाँ पर, तो सभी लोगों से अच्छा व्यवहार है। और यहाँ भी मेरा सर्वे भी हुआ था, सब कुछ बढ़िया था और फिर काट दिया। वही बात जो अटेली में हुई थी वही यहाँ हो गई, किसी विशेष व्यक्ति के हैम की वजह से। मैं यही सवाल आपसे करना चाहती थी कि इस बार संतोष जी, इस बार हम देख रहे हैं टिकट बंटवारे में एक शख्स की बहुत चली है दक्षिण हरियाणा में, वो नाम मैं लेना चाहूंगी, राव इंद्रजीत सिंह, उनकी चली है, चाहे नानो सीट हो या अटेली सीट, जिनका आप दो सीटों का जिक्र कर रही हैं, उन्होंने दोनों सीटों पर अपने ही समर्थकों को, अपनी बेटी को टिकट दिलाया और बाकी सीटों पर भी, इवन गुरुग्राम सीट भी आप इसमें इंक्लूड कीजिए। बहन जी मैं तो किसान की बेटी हूं, सामान्य परिवार से हूं और उधर से वो बेटी, बेटियां तो सबकी होती हैं, बराबर ही होती हैं जी, वो बड़े घर से है, तो मेरा मेरा इसमें क्या दोष है? आप ही बताइए क्या दोष है? जब मैं जमीन पर कार्य करती हूँ, व्यवहार कुशलता से मैं लोगों के साथ रहती हूँ, और फिर एकदम टिकट काट देना, ये तो बड़ा ही जनता के लिए भी नागुजार होता है ये, और हमारे लिए तो है ही कोई मान सम्मान। एक तरफ तो हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाते हैं और दूसरी तरफ जो अपने आप उठी हुई महिलाएं हैं उनकी टिकट काट देते हैं। तो मैडम जहां मान सम्मान नहीं तो वहां तो रुकना ठीक नहीं समझा जाता। पार्टी ने जो मेरे को कार्य दिया मैंने कुशलता से किया, निष्ठा से किया जी।
जी, आपने पहले भी कहा था कि राजशाही हावी हो रही है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में जो विचारधारा को लेकर पहले चला जाता था अब उस विचारधारा को पीछे छोड़ दिया है, कार्यकर्ताओं का पहले जैसा मान सम्मान नहीं रहा? ये सही कह रहे हैं, पहले पार्टी में लोकतांत्रिक मूल्य थे, सिद्धांत थे, और जिस पर कार्यकर्ता लगा रहता था निष्ठा से, आत्मसम्मान से, लेकिन उस आत्मसम्मान को ठुकरा दिया जाए तो ये बड़ी गलत बात है। परिवारवाद के खिलाफ थी ये पार्टी, 2014 में पुरजोर तरीके से कहा कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, राजशाही के खिलाफ हैं, कांग्रेस के खिलाफ मुद्दा बनाया गया, दल बदलुओं को लेकर तमाम आरोप लगाए गए। लेकिन इस बार बीजेपी की टिकट में ना दल बदलुओं से परहेज किया गया ना परिवारवाद से। आरती राव उनमें से एक उदाहरण है, तमाम दूसरे उदाहरण हम दे सकते हैं आपके सामने। जी संतोष यादव जी, बिल्कुल ठीक जी, कहा जी जी मैडम, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये सारा आपके सामने है, परिवारवाद भी है, दल बदलू भी है, सारे है सामने। अब आपका अगला कदम क्या होगा, क्या आप चुनाव लड़ेंगी? मैडम मैंने आज कार्यकर्ताओं से राय ली है, सुबह भी कार्यकर्ता आएंगे और उसके अनुसार मैं कार्य करूंगी। आप भावुक हैं? कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी है जी। आप भावुक हैं? मैडम भावुक तो क्या, अब हजारों कार्यकर्ता आए थे, सब अपनी अपनी बात कह रहे थे, तो नेचुरल है। कुछ अपना भी मना आपने बनाया होगा, वो ठीक है कि आप अपने समर्थकों से राय शुमारी करेंगी, कार्यकर्ताओं के बीच बैठेंगी तो फैसला करेंगी, आपका भी कुछ मन होगा कि मैं निर्दलीय लड़ूं या फिर किसी और पार्टी की तरफ से आपको उम्मीद है कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर लूं? नहीं मैडम, अभी तो पार्टी छोटी है और जो चुनाव में भूमिका होती है, चुनाव जो लड़े जाते हैं वो सारे कार्य होंगे मैडम। दक्षिण हरियाणा की एक सीट की और मैं बात करना चाहती हूं आपके साथ, महेंद्रगढ़ सीट को होल्ड पर रखा गया, रामविलास शर्मा जैसे कद्दावर नेता वहां से भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं कि मैं कल नामांकन करूंगा, टिकट उनको नहीं दिया, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन ये कह दिया कि मैं नामांकन करूंगा। ये हो सकता है कि दबाव की राजनीति हो, ये भी हो सकता है क्या पता किसी नेता ने उनको कहा कि हाँ आप तैयारी कीजिए, कल हम यहां से आपको उम्मीदवार घोषित कर देंगे, लेकिन पहली दूसरी लिस्ट में नाम ना आना उनका, जो कि 2014 में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 47 सीटें लेकर बीजेपी को सत्ता में बिठा दिया था उन्होंने। जी मैडम, उनको टिकट देनी चाहिए थी और वो बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, मंत्री कई बार रह चुके, तो मैं तो इस बात का समर्थन करती हूँ कि उन्हें तो सबसे पहले टिकट दिया जाना चाहिए था। जी बहुत जी। बहुत शुक्रिया संतोष यादव जी न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। तो ये थी पूर्व डेप्यूटी स्पीकर हरियाणा संतोष यादव, टिकट नहीं मिला अटेली से, फिर उम्मीद लगाई कि नानगोल से हो सकता है कि टिकट उनको मिल जाए, कुछ गांव अटेली विधानसभा के पुराने गांव जो आते थे वो अब नानगोल में आते, लेकिन मायूस है, नाराज है कि विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी आज अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है।